अगर तुम्हें कोशिश करने से इसलिए डर लगता है कि नाकामयाब ना हो जाऊं, तो एक बात जरूर याद रखना, अगर कोशिश नहीं करोगे तो तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम हो। हर दिन उसी सेम प्रोसेस से गुजरना होगा, जहां रहा भी नहीं जाता और रहना भी पड़ता है। हर दिन वही सेम रूटीन। यूं तो पानी भी एक जगह पड़े पड़े सड़ जाता है, तो चलना मत छोड़ो। माना चैलेंजेस से डर लग रहा होगा, पर ये भी तो सोचो कि डर के आगे तुम्हारी जीत भी तो हो सकती है। एक बात बताऊं, तुम्हें जीतना ज़रूरी नहीं है, मेन मुद्दा तो सिर्फ कोशिश का है, क्योंकि कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि हर कामयाबी की शुरुआत कोशिश से होती है। यार मैं तो कहती हूँ कि मत करो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बट गो विद द फ्लो, ऐसे चलो कि बस रुकना नहीं है, और सामने जो भी चैलेंजेस आए उसे फोड़ दो। देखो ये उतना आसान भी नहीं होगा, हो सकता है 2-3 चैलेंजेस से तुम फेल भी हो जाओ, बट यही चैलेंजेस हैं जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, और यकीन मानो तुम में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आया होगा। तुम्हें शायद एहसास ना हो, क्योंकि वो 0.% भी हो सकता है, पर 0.% भी चेंज आना तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन एंड मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम रुक नहीं सकते, वरना सड़े हुए पानी की तरह तुम भी सड़ जाओगे, जिस पर मच्छर भी भिनभिनाने लगते हैं। तो मत डरो चलने से, जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कहो, और अगर तुम कोई तैयारी कर रहे हो तो उसे इस मोटिव से मत करो कि आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम, बट आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को इतना तेज़ एंड नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, खुद में चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो देखना, यू विल बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी, और शायद यही बनना मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है।